गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास, आई एम माधवी फ्रॉम हैप्पी कैम्ब्रिज स्कूल, यू एस एस टी टीचर. स्टूडेंट, टुडे वी विल कंटिन्यू आवर रिमेनिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 9. हमने वन महोत्सव तक पढ़ लिया था कि ट्रीज हैं, उनके महत्व को समझाने के लिए वन महोत्सव हर स्कूल में मनाया जाता है रेनी डेज में. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे. देयर आर अदर प्रोग्राम विच एम एट प्रमोटिंग एफ्रस्ट्रिएशन. दे हैव द चिपको मूवमेंट फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री. अंडर अ प्रोग्राम फ्रॉम एवरी चाइल्ड अ ट्री, द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स आर इनकरेज टू प्लांट ट्रीज एंड लुक आफ्टर दैम फॉर द फ्यूचर. देखो ये क्या कह रहे हैं, वन महोत्सव के अलावा भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाए गए हैं जिनके थ्रू हम ट्री प्लांटेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे कि चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट क्या था कि चिपको मूवमेंट बहुत पहले हुआ था कि जब पेड़ काटने लगे थे लोग, तो वहाँ के जो लोग थे, गांव के लोग थे, वो उस पेड़ पर चिपक गए थे जाके कि तुम पहले इन पेड़ों को काटने से पहले हमें काटो, तो वो पेड़ों का कटना रुक गया था, तो वही कहलाया था हमारा चिपको मूवमेंट. ठीक है, चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ. उसके बाद फॉर एवरी चाइल्ड अ ट्री, यानी कि एक और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ जिसके अंतर्गत क्या किया गया, पेरेंट्स को और उनके बच्चों को इनकरेज किया गया कि आप एक ट्री प्लांट करें और उसकी ऐसे देखभाल करें जैसे आप एक बच्चे की देखभाल करते हैं, उसके फ्यूचर की देखभाल करें. द चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1974 अंडर द लीडरशिप ऑफ सुंदरलाल बहुंगा. द वॉलंट्री ऑफ चिपको मूवमेंट क्लिंग द ट्रीज टू स्टॉप एंड वुड कटर्स फ्रॉम कटिंग डाउन द ट्रीज. दिस क्लीनिंग टू द ट्रीज वार नॉन एज चिपको. दस द मूवमेंट केम टू बी नॉन एज चिपको मूवमेंट. मैंने अभी आपको समझाया था ना चिपको मूवमेंट क्या था. चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1947 में. 1947 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और वो क्यों हुआ था, ताकि जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही है उसको रोका जा सके. ठीक है, उसके थ्रू, चिपको मूवमेंट के थ्रू जो ट्रीज़ की कटिंग हो रही थी उसको काफ़ी हद तक स्टॉप किया गया था. ठीक है, इंडिया इज़ गिफ्टेड विद अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ मीन्स एंटायर कम्युनिटी ऑफ एनिमल इन अ लोकेलिटी ऑफ रीजन. ये क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे क्या है, जानवर देखने को मिल सकते हैं. वाइल्ड लाइफ बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर प्रकार के जानवर देखने को मिल सकते हैं. वाइल्ड लाइफ मीन एंटायर कम्युनिटी एनिमल्स इन अ लोकेलिटी और रीजन. वाइल्ड लाइफ मीन्स क्या हो गया, किसी रीजन में, किसी एरिया में, किसी लोकेलिटी में जो भी जानवर रहते हैं वो क्या क्या कहलाएंगे, वन में उनकी क्या होगी, वो वहाँ की वाइल्ड लाइफ होगी. ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज द पॉपुलेशन ऑफ वेरियस वाइल्ड एनिमल इज डिक्लीटिंग. सम ऑफ देम आर इन डेंजरस लिस्ट. सो गवर्नमेंट हैज सेट अप अ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट देम. ये क्या कह रहे हैं कि कुछ जानवर, अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रीज कट रहे हैं, तो इन लोगों का घर छीना जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपना घर तो होता नहीं है, फॉरेस्ट ही इनका घर होता है. तो जैसे जैसे फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं, इनका घर छीना जा रहा है और ये भी समाप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो और कुछ तो ऐसे हैं जो जिसे कहते हैं ना कि मतलब बिल्कुल कम होने की अवस्था में आ गए हैं, कुछ जानवर ऐसे हैं. तो गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं जहाँ पे इनको रखा जाएगा, इनकी देखभाल की जाएगी. नोबडी इज़ अलाउड टू कट डाउन द ट्री एंड किल एनिमल देयर. वहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं है कि वो वहाँ कोई बंदा वहाँ पे पेड़ काटे या फिर एनिमल्स को मारे. कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तरांचल, गिर सेंचुरी इन गुजरात, सुंदरबन टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल वर सेट अप टू प्रोटेक्ट एशियाटिक लायन एंड टाइगर्स. ये क्या कह रहे हैं, जो हमारा उत्तरांचल में कॉर्बेट नेशनल पार्क है, गिर सेंचुरी है गुजरात में, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में, ये सब किस लिए बनाए गए हैं, ताकि जो हमारे एशियन लोयंस है और टाइगर्स हैं उनको क्या किया जाके, प्रोटेक्ट किया जाके जा सके. ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम वाज सेट अप टू प्रोटेक्ट वन हॉर्न रीजन टू प्रोटेक्ट रिनोस्ट्रोप ऑस्ट्रेलिया. अदर इंपॉर्टेंट सेंचुरीज आर प्रियरी इन केरला, मानस इन असम, चिल्का इन उड़ीसा, सारिसा इन राजस्थान, कहना इन मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. बहुत सारे ऐसे
सेंचुरीज, बहुत सारे ऐसे पार्क हैं, बहुत सारे ऐसे सेंचुरीज हैं जो बनाई गई हैं ताकि इन जानवरों को जो है, एनिमल्स को जो है, प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है। डू यू नो अबाउट 20% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल लैंड ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो जोग्राफिकल एरिया है, जो लैंड है, उसका 20% जो है वो फॉरेस्ट से कवर है। तो हमने इस चैप्टर में वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।